हम सुबोधसर बिहार श्री भैंसासुर से नमस्कार करते हैं। यह क्लास 10 है, रसायन विज्ञान है, लेसन फर्स्ट। आज लगता है इसका अंतिम हो जाएगा, या कल अंतिम वाली अंतिम इसका है। इसका अंतिम हो जाएगा या कल अंतिम होगा पूछताछ करने के बाद, इसे ध्यान देना। तो आंशिक समीकरण विधि है, पार्शियल इक्वेशन मेथड, ये बताया थे को छूट गया था कि बैलेंस करने की विधि इक्वेशन मेथड जब असंतुलित, जब असंतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण में उपस्थित जटिल यौगिकों को अनेक समीकरणों में उलझावे, अनेक समीकरणों में बदलते हुए संतुलित किया जाता है उसे आंशिक समीकरण विधि से संतुलित कहते हैं। अब समझो, अब स्टार्ट करते हैं, रुक जाओ, अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, बिल्कुल सही। अब समझाते हैं, देखो कैसे समझो। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की तीन विधियां, तो पहला था अनुमान विधि, ये बता दिए थे। दूसरा था बीजगणितीय विधि, ये भी बता दिए थे। और तीसरा था आंशिक समीकरण विधि, इसको नहीं बताए थे, इसको बता रहे हैं। फिर समझो, नया बच्चे समझो फिर से, कि
असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की तीन विधि होते हैं, अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड, बीजगणितीय विधि, अलजेब्राइक मेथड, और तीसरा है आंशिक समीकरण विधि। यानी आंशिक यानी पार्शियल इक्वेशन मेथड इतना मने कठिन है ही, जिसको समीकरण का ज्ञान होगा वही सीख पाएगा। इस अंतिम किए हैं आज, तो फिर आ जाएगा कल से अम्ल छाल लवण आ जाएगा। इसे प्रयास करना, गलबात नहीं करना है। इसे अंतिम में किए हैं आज, देखिए इसको गलबात नहीं करना जी, गलबात नहीं करना कोई जी, गलबात नहीं करना, ध्यान देना कुल मिलके। तो तीसरा मेथड है आंशिक समीकरण विधि, पार्शियल इक्वेशन मेथड। संतुलित करने की तीन विधियां, अनुमान विधि, बीजगणितीय विधि, आंशिक समीकरण विधि। इसको समझा दिए, इसको बता दिए थे, इसको बता रहे आंशिक समीकरण विधि बताइए। इसमें देखो क्या लिखे हैं, जब असंतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित जटिल यौगिकों को अनेक समीकरणों में बदलते हुए संतुलित किया जाता है, उसे आंशिक समीकरण विधि से संतुलित कहते हैं। जब असंतुलित रासायनिक समीकरण में जटिल यौगिकों को अनेक समीकरणों में बदलते हुए हल किया जाता है, उसे आंशिक समीकरण विधि से संतुलित कहते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है आपकी किताब में, क्वेश्चन दिया है आ, कुछ नहीं बोलना, ध्यान देना है। ये क्वेश्चन है कि ऊपर लिखते हैं, और की परिभाषा हो गई, ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन को, इसे आंशिक समीकरण विधि से संतुलित करें। क्वेश्चन हो गया ही, देखते कौन समझते हैं, कौन बनाते हैं अगला, जिसको समीकरण का ज्ञान होगा वो बना देगा। इसका है K2Cr2O7 प्लस HCl KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2 को आंशिक समीकरण विधि से आंशिक समीकरण विधि से संतुलित करें,
एंट्री करें। अब देखो, अब ध्यान देना, आयुष में कोई गलबात नहीं करना, कोई नहीं गलबात करना, ध्यान देना तब समझेगा। गलबात तो करना है, कोई करना, चलो। अभी बताए थे K2Cr2+HCl, KCl+CrCl3+H2O+Cl2+, जैसे देखिए है कि पोटेशियम K का वैलेंसी 1, H का वैलेंसी 1, क्रोमियम Cr3 का वैलेंसी 3, ये संलग्नता है, संयोजकता 3, ऑक्साइड का 2, क्लोराइड का 1, सब हो गया। अब देखिए, बताओ वहीं से, इसमें बताया थे परिभाषा, असंतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित जटिल यौगिकों को अनेक समीकरणों में बदलते हुए इसको हल किया जाता है। बोलते जटिल कौन है पहले, इसमें बोलो इजे K2Cr2O7+HCl, KCl+CrCl3+H2O+Cl2, बोल इसमें जटिल कौन है, जटिल इससे बड़ा कौन यौगिक है, जटिल कौन है, जटिल कौन है, जटिल कौन है, जटिल हाँ K2Cr2O7 जो बकबक करेगा नहीं समझेगा, देखिए ना, आओ तो देखिए है हल K2Cr2O7, सुन लो तो K2Cr2O7 है, तो K2Cr2O7 कैसे बना होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया होगा OK के साथ, OCr के साथ, तो पहले इसको रिएक्शन को तोड़ेंगे, पहले इसको जटिल को पहले तोड़ देंगे, छोटा कर देंगे, तब इसका अर्थ है K2Cr2O7 कैसे बना होगा, जो नहीं ध्यान देंगे मैसेज करेंगे नहीं समझे, इसे ध्यान देना अच्छा पढ़ाया जाए, तो K2Cr में पूरी दिमाग का पढ़ाई, K2Cr2O7 वो अभिक्रिया हुआ K से, वो क्या हुआ Cr से, क्रोमियम से, तो K का वैलेंसी 1, O का वैलेंसी 2, अदला बदली K2O, अच्छा CrO के साथ, Cr का 3, O का 2 अदला बदली, Cr2O3, Cr2O3 प्लस, अब पता नहीं है यहाँ कितना वो बचा, पता नहीं है, तो नवजात ओ प्लस ओ ये पता हमको नहीं है, या कितना ओ बचा हमको पता नहीं है, तो K2O+Cr2O3+O ये पता हमको नहीं कितना बचा हो। अच्छा ये बात सुन लो, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो वहां नवजात निकलता नहीं है, वहां नवजात निकलता, लेकिन रिएक्शन टूटा है,
इरेक्शन को तोड़े हैं से नवजात तो दे दिए। तो वहाँ लिखा है जटिल यौगिकों को अनेक समीकरणों में बदलते हुए बैलेंस किया जाता है। के टू सी आर टू ओ सेवन तो दो के तो दो के, दो सी आर तो दो सी आर बैलेंस है, ओ सात वो तीन एक चार, तीन एक चार, चार तीन सात, थ्री ओ थ्री ओ। अब देखें सुन लो तो के टू सी आर टू ओ सेवन का विक्रिया एस सी एल से था, के टू सी आर टू ओ सेवन की अभिक्रिया एस सी एल से था। अच्छा आइए के टू सी आर टू ओ सेवन की अभिक्रिया एस सी एल से है, आइए बट गया तीन भागों में, यह बटा के टू ओ सी आर टू ओ थ्री और थ्री ओ। तो के टू सी आर टू ओ सेवन अभिक्रिया एस सी एल से है, ये बट गया तीन भागों में, ये बट गया तीन भागों में, के टू ओ सी आर टू ओ थ्री प्लस थ्री ओ बट गया तीन भागों में। अब बताओ तो एस सी एल अभिक्रिया किससे था, के टू सी आर टू ओ सेवन ये बटा तीन भागों में। अब एस सी एल अभिक्रिया करेगा के टू ओ से, फिर सी आर टू ओ थ्री से और फिर थ्री ओ से। के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस एस सी एल, के टू सी आर टू अभिक्रिया था एस सेवन एस सी एल से था, ये बट गया तीन भागों में। अब एस सी एल के टू ओ से करेगा, एस सी एल सी आर टू ओ थ्री से करेगा, एस सी एल थ्री ओ से करेगा। के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस एस सी एल, के टू सी आर टू ओ सेवन बट गया तीन भागों में, के टू ओ सी आर टू ओ थ्री प्लस थ्री ओ। अभिक्रिया करेगा अब एस सी एल के टू ओ से, फिर एस सी एल का अभिक्रिया था के टू सी आर टू ओ सेवन, ये बट गया तीन भागों में टूट गया। अब एस सी एल के टू ओ से, एस सी एल सी आर टू ओ थ्री से, एस सी एल एस थ्री ओ से। फिर देख लो ऐसे, फिर देख लो कि के टू सी आर टू ओ सेवन एस सी एल से था, यह जटिल यौगिक है तो के एक साथ ओ जाएगा, के का वैलेंसी ओ। तो यहाँ पर जो के टू सी आर टू ओ सेवन बना है वह कैसे बना होगा, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद बना होगा। के टू सी आर टू ओ सेवन कैसे बना होगा, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद बना होगा। तो के टू सी आर टू ओ सेवन, अब देखो यहाँ तो के टू सी आर टू ओ सेवन अभिक्रिया किया एस सी एल से, ये बट गया तीन भागों में, यह कैसे बना होगा, ध्यान में फैल देना, यह कैसे बना होगा। के टू सी आर टू ओ सेवन ओ का अभिक्रिया के से, ओ का अभिक्रिया सी आर से, तो के का वन ओ का दो अदला बदली के टू ओ। सी आर का तीन ओ का दो अदला बदली सी आर टू ओ थ्री, रखिएगा सी आर टू ओ थ्री, सी आर टू ओ थ्री के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस के टू ओ, पर ओ करेगा के से,
ये 2 या 2 7 अभी कैसे बना होगा, अभिक्रिया ओ से क्या होगा, के तो के का वैलेंसी 1, ओ का 2 अदला बदली के 2 ओ, फिर सी आर के वैलेंसी 3, ओ का वैलेंसी 2 अदला बदली सी आर 2 ओ 3। अब यहाँ बचा बताने कितना ओ बचा है, तो प्लस नवजात ओ। अब यहाँ बैलेंस करना चाहिए, रिएक्शन में नवजात ओ नहीं निकलता लेकिन रिएक्शन टूट रहा है, रिएक्शन टूट रहा है, नवजात तो निकल सकता है यहाँ। तो अब देखो, अब 2 के तो 2 के, 2 CR तो 2 CR, ओ 7 वो 3 1 4, वो 3 1 4, 4 3 7, वो देखिए के सी आर 2 3, 2 के तो 2 के, 2 CR 2 CR, अब देखो ओ 3 क्योंकि सी आर वैलेंसी 3 होता है क्रोमियम का, वैलेंसी 3, ओ का वैलेंसी 2 अदला बदली CR 2 O 3। अब देखिए अब सी आर के 2 CR 2 7 अभिक्रिया HCl से है, तो के 2 CR 2 7 बट गया 3 भागों में। अब यस हम यही समझे बोली लिख रहे हैं कि के 2 CR 2 O 7 की अभिक्रिया के 2 CR 2 O 7 की अभिक्रिया HCl से है, तो ये बट गया 3 भागों में, के 2 O CR 2 O 3 3 O। अब HCl अभिक्रिया करेगा के 2 O से, CR 2 O 3 से, 3 O से, के 2 CR 2 HCl, ये बट गया 3 भागों में। तो पहले अभिक्रिया HCl के था के 2 CR 2 7 के साथ, बट गया 3 भागों में के 2 O CR 2 O 3 3 O। अब तीनों से अभिक्रिया करेगा ही, अब देखिए पहले बैलेंस है 2 के तो 2 के, 2 CR तो 2 CR, 3 1 4, बच यहाँ 7, 3 O। अब यहाँ लाने ऐसे हैं के 2 O प्लस HCl, के 2 O प्लस HCl, के 2 O प्लस HCl, तो Cl जाएगा के के पास, O आएगा H के पास, हेलो Cl जाएगा के पास, के का वैलेंसी 1, Cl का एक कट गया, के Cl, के Cl हो जाएगा एच के पास, एच का वैलेंसी हो, ओ का वैलेंसी 2 अदला बदली एच टू ओ। अब कर दो बैलेंस, हो जाएगा एच के पास, एच का 1, ओ का 2 अदला बदली H2O वैलेंसी होता है, बैलेंस कर दो, यहाँ 2 के तो यहाँ 2 के, 2 Cl तो 2 Cl, 2H तो 2H बैलेंस है। अब है CR 2O3 प्लस HCl, CR 2O3 प्लस HCl, CR 2O3 प्लस HCl, Cl जाएगा CR के पास, CR वैलेंसी 3, Cl के वैलेंसी 1 अदला बदली CrCl3, वो आएगा H के पास, H के वैलेंसी 1, O का वैलेंसी 2, H2O,
दो क्रोमियम यहाँ दो लगा दो, सीएल तीन दूनी छ, यहाँ छ लगा दो, छ एच यहाँ दो पहले से तीन, तो तीनों तीनों दो सी आर दो सी आर, छ सी एल तीन दूनी छ सी एल। अब देखो इसको ऐसे कर दो, अब देखिए ई एल एच एस ई आर एच एस समान कटता है, जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस जेड, एक्स एस कट गया वाई बराबर जेड, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस जेड, एस कट गया वाई बराबर जेड, वाई बराबर जेड। उसी प्रकार के टू ओ कट जाएगा, अच्छा एक बार बच गया है, ये बचा थ्री ओ प्लस एस सी एल है, देखिए हाँ थ्री ओ प्लस एस सी एल तीनों से करेगा, इससे भी इससे भी इससे भी, तो थ्री ओ प्लस एस सी एल बोलो एच के ओ आएगा एच के साथ, एच का वैलेंसी दो, ओ का एच का वैलेंसी एक, ओ का वैलेंसी अदला बदली, एच टू ओ बच गया सी एल, सी एल ने सी एल टू निकलता है जब भी, थ्री ओ प्लस एस सी एल, थ्री ओ प्लस एस सी एल ओ आएगा एच के साथ, एच का बैलेंसी ओ बैलेंसी दो अदला बदली एच टू ओ, अब प्लस सी एल टू जब भी निकलता है तो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ नवजात क्यों निकला, यहाँ रिएक्शन टूटा, रिएक्शन टूटा ऐसे नवजात निकला, रिएक्शन हो रहा है जिससे सी एल टू निकला, अच्छा थ्री ओ एक ओ यहाँ थ्री ओ तो तीन, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, अब छः सी एल यहाँ तीन सी एल, तीन दूनी छः बैलेंस है, थ्री ओ छः एच तीन दूनी छः, छः सी एल तीन दूनी छः सी एल, के टू ओ के टू ओ इससे कट जाएगा, थ्री ओ थ्री ओ से कट जाएगा, के टू सी आर टू ओ सेवन यह बचा। अब देखिए छः छः बारह, छः छः बारह दो चौदह, चौदह एस सी एल, छः छः बारह दो चौदह एस सी एल, और टू के सी एल प्लस टू सी आर सी एल थ्री प्लस एच टू ओ तीन तीन छः एक सात, तीन एच टू ओ तीन एच टू ओ एच टू ओ सेवन एच टू ओ प्लस थ्री सी एल टू। अब देखिए बैलेंस कहीं जैसे देखिए कहीं दो के तो दो के दो सी आर तो दो सी आर ओ सात देखिए है सातो एच चौदह एच सात दूनी चौदह चौदह सी एल देखिए यहाँ पर चौदह से दो सी एल तीन दूनी छः सी एल तीन दूनी छः सी एल तीन दूनी छः 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 बारह दो सी एल चौदह बैलेंस है। इसका नाम है आंशिक समीकरण विधि से बैलेंस करना, इसका नाम है आंशिक समीकरण विधि से बैलेंस करना। अच्छा रुक जाओ, तो जो नहीं सीखे हो एक मौका और देते हैं उसको, तो नहीं सीखा मौका और तुमको दिए, चलो
और फिर देख लो, फिर देख लो, तब तो कुछ मारे देख के क्या बनाता है। चलो आओ। हाँ सीखो, अंतिम मौका सीखो, ध्यान देना। अंतिम मौका, केटूस या टू सेवन प्लस बनाने देंगे, हम रुकेंगे कुछ देर तो अपने बनाना, इसके बाद एक बनाने देंगे, अब भी सही हो जाए कुल मिलके। इतना मैसेज नहीं करो, इतना मैसेज पहले समझो, उसको समझो। चलो आ जा, के टू सी आर टू ओ सेवन यह जटिल यौगिक है, जो नहीं ध्यान दिया ध्यान दे दो। अंतिम के टू सी आर टू ओ सेवन जटिल यौगिक है, तो पहले के टू सी आर टू ओ सेवन को समीकरणों में तोड़ा जाता है, जटिल यौगिक को समीकरणों में तोड़ा जाता है, जटिल यौगिक को समीकरणों में तोड़ा जाता है, जटिल यौगिक को समीकरणों में तोड़ा जाता बेटे। हाँ अब ठीक है, तूने समझ में तब ठीक करियो, जटिल यौगिकों को समीकरणों में तोड़ा जाता है, K2Cr2O7 जो बना होगा ये इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बना होगा जब पोटेशियम और क्रोमियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया होगा तब बना होगा, तब K2Cr2O7 बना होगा। तो K का वैलेंसी 1, इसको तो आप पहले अभिक्रिया O का कराओ K के साथ, O का K के साथ, K का 1 O का 2, अदला बदली K2O, K2O, देखो वैलेंसी लिख दिए हैं, K का 1 O का 2, पहले O अभिक्रिया करेगा K से, K का 1 O का 2 अदला बदली K2O, अब CR करेगा O के साथ, CR का 3 O का 2 अदला बदली CR2O3, CR2 के पास O3 के पास, अब प्लस नवजात हो, हमको पता नहीं कितना हो निकला, प्लस नवजात हो। अच्छा देखते हैं, नवजात हो, अब यहाँ 2 के यहाँ भी 2 के, यहाँ 2 CR यहाँ 2 CR, यहाँ वो 7 यहाँ 3 1 4, 3 1 4, 4 3 7, 3 1 4, यहाँ 7 यहाँ 3। अब HCl अभिक्रिया क्या K2Cr2O7 से करना है, किन K2Cr2O7 बटिया 3 भागों में, अब HCl K2O से, Cr2O3 से और 3O से भी क्रिया करेगा, तीनों से बारी बारी से। तो आइए, तो K2O
प्लस एस सी एल के टू सी आर टू से मैंने क्रिया एस सी एल से करेगा, ये बट गया तीन भागों में, तो के टू ओ प्लस एस सी एल के टू ओ प्लस एस सी एल, तो सी एल जाएगा के के पास, के का वैलेंस सी वन, यहाँ ही समझना जरूर कि के टू सी आर टू ओ सेवन बट गया, इससे भी क्रिया एस सी एल से था, ये बट गया तीन भागों में, अब एस सी एल अभी क्रिया करेगा के टू ओ, इससे नहीं करेगा, ये बट गया तीन भागों में, एस सी एल के टू से सी आर टू ओ थ्री से प्लस थ्री ओ से, तो के टू ओ प्लस एस सी एल, हम जानते हैं सी एल कहाँ जाएगा के पास, के का वैलेंस सी वन, सी एल का एक, तो के सी एल इतने अगला के बनाता है के सी एल। अच्छा उसके बाद ओ आएगा एच के पास, एच का एक ओ का दो प्लस एच टू ओ प्लस एच टू ओ, फिर तुरंत बैलेंस करो दो के यहाँ दो के, दो एच यहाँ दो एच, दो एच दो सी एल, तो दो सी एल बैलेंस हो गया, फिर सी आर टू ओ थ्री एस सी एल, तो सी एल जाएगा सी आर के पास, तो सी आर के बैलेंस सी, सी आर के बैलेंस सी दो तीन, सी आर के बैलेंस सी एक अदला बदले, सी आर सी एल थ्री प्लस एच टू ओ, वो आएगा एच के पास, एच का बैलेंस सी एक ओ बैलेंस सी दो अदला बदले एच टू ओ, अब फिर थ्री ओ एस सी एल, ओ आएगा एच के साथ, ये थ्री ओ प्लस एस सी एल, ओ आएगा एच के पास, एच का एक ओ का दो अदला बदली, ओ जाएगा एच के साथ, एच टू ओ प्लस सी एल टू, यहाँ देखो तीन, यहाँ भी यहाँ बैलेंस कर दो, दो सी आर यहाँ दो लगा दो, तीन दूनी छ, यहाँ छः लगा दो, तीन दूनी छ, थ्री ओ थ्री ओ तीनों, यहाँ एक ओ तीन, तीन दूनी छ, यहाँ छ, एस सी एल यहाँ छ सी एल यहाँ तीन, एल एच एस आर एच एस दोनों समान कटता है, जैसे ही समझो बराबर का संकेत है, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस जेड, वाई बराबर जेड, वाई बराबर जेड। अच्छा बहुत अच्छा, देखो के टू ओ सी आर टू ओ थ्री कट जाएगा, थ्री ओ कट जाएगा, ये बचेगा के टू सी आर, बचा हमको के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस एल एच एस में के टू सी आर टू ओ सेवन रेशम डॉक्यूमेंट दो एच सी एल छ एच सी एल छ सी एल छ छ बारह दो चौदह एस सी एल टू के सी एल टू के सी एल टू सी आर सी एल थ्री प्लस
देखो एक एच टू ओ, तीन एच टू ओ, तीन एक चार, चार तीन सात, तीन तीन छ, छ एक सात, और प्लस थ्री सी एल टू। मैसेज कर, समझा, मैसेज कर। मैसेज कर, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखो, एक बार देखो, तुम ध्यान नहीं दिया, तुम ध्यान नहीं दिया, तुम ध्यान नहीं दिया। लो फिर बताते हैं, वो शुरू में बोल दिए आज थोड़ा सा खराब पढ़ा है, तुम्हारे किताब में दो दिया हुआ है, तुम्हारा किताब निकाल लो, बारह पेज में दिया हुआ, बारह पेज में ये बारह पेज में है, ये किताब है आपका, पेज बारह में दिया हुआ आपका, ठीक है। अभी वो देखते हैं क्या होता है, जो बेटे नहीं समझे बेटे तो ध्यान दो मन से, यह क्या है, आंशिक समीकरण विधि से संतुलित करना है, समीकरण को संतुलित करने का तीन नियम, अनुमान विधि बता दिए, अलजेब्रा मेथड बता दिए, आज है पार्शियल मेथड है, आंशिक समीकरण विधि है। इस विधि में क्या होता है कि कठिन जटिल यौगिक को अनेक समीकरणों में बदलते हुए हल किया जाता है, जैसे K2Cr2O7HCl, इसमें जटिल है K2Cr2O7। देखते हैं अभी क्या होता है, ये जटिल है K2Cr2O7, K2Cr2O7 इसको तोड़ दो अनेक समीकरणों में, यहां पोटेशियम वैलेंसी 1, आयरन वैलेंसी 1, Cr का 3, O का 2, Cl क्या लिख दिए हैं। अब ये कैसे बना होगा, तो पहले के का भी क्रिया ओ के साथ, तो के का एक, ओ का दो, अदला बदली, के टू ओ, फिर सी आर का वैलेंसी 3, ओ का दो, अदला बदली, सी आर टू ओ 3। अब प्लस O7 प्लस नवजात ऑक्सीजन, हमको पता नहीं कितना उसे निकला, नवजात ऑक्सीजन। अब K2 Cr2 O7 O3 1 4 4 3 7
तब ऐसे सिखाए हैं कि के टू सी आर टू ओ से बना क्रिया या सी एल से है। अब यहां ये बट गया तीन भागों में, अब एस एल की अभिक्रिया इससे नहीं हो करके के टू ओ सी आर टू ओ थ्री थ्री ओ से होगा। एस एल की अभिक्रिया था के टू सी आर टू ओ सेवन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया था पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ये बट गया तीन भागों में, तीन भागों में। अब एस एल अभिक्रिया करेगा के टू ओ से, अभी लिखे थे के टू सी आर टू ओ सेवन बट गया तीन भागों में, के टू ओ सी आर टू ओ थ्री थ्री ओ। अब एस सी एल के टू ओ से, एस सी एल सी आर टू ओ थ्री से, एस सी एल थ्री ओ से। एक बार देंगे माने तो माने देंगे मान देते हैं तो के टू ओ K2O प्लस HCl, Cl जाएगा K के पास, K का वैलेंसी 1, Cl का 1, KCl O जाएगा H के साथ, H का 1, O का 2, H2O। अब यहाँ K2 तो यहाँ K1 2, दो एच सी एल यहां है, एच सी एल तो ओ, के सी एल गया के पास के सी एल, ओ एच के पास एच टू ओ, तो दू के दू एच दो सी एल बैलेंस हो गया एच सी एल सी आर टू ओ थ्री के साथ। सी एल जाएगा सी आर के पास, सी आर का तीन, सी एल का एक अदला बंदी, वो आएगा एच के पास अदला बंदी एच टू ओ, बैलेंस कर दो, दो सी आर तो दो सी आर, तीन दूनी छ तो छ सी एल, छ एच थ्री एच तीनों तो तीनों थ्री ओ। अब यहां बचा थ्री ओ प्लस एस सी एल, एच वो जाएगा एच के पास, हो जाएगा एच के पास, एच के पास एच टू ओ, एच टू ओ प्लस हो जाएगा एच के पास प्लस हो जाए एच टू ओ प्लस सी एल टू, चलो बैलेंस करो थ्री ओ थ्री ओ, तीन दूनी छ ओ एच, यहाँ तीन दूनी छ एच छ, तीन सी एल तीन दूनी छ सी एल समान करता है, समान करता है। तो के टू देखो इस बराबर एल एच एस सी आर एच एस, के टू ओ बराबर है कि बराबर है कट जाएगा, ये बराबर है कट जाएगा, तो के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस छ छ बारह दो चौदह एस सी एल तो टू के सी एल, टू सी आर सी एल थ्री, तीन तीन छ एक सात सेवन एच टू ओ प्लस
थ्री सी एल टू, देख लो सही बैलेंस है, दो के तो दो के, दो सी आर, दो सी आर ओ सात सातो चौदह एच, सात दूनी चौदह एच, चौदह सी एल, दो सी एल यहाँ है तो तीन दूनी छः सी एल, तीन दूनी छः 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 बारह, दो सौ बैलेंस है। बनाओ क्वेश्चन, नुनु नुनु ये चार्ज ना हो हमारे वाला टीवी अथी आई। चलो लो बनाओ तो। हाँ के मेनो फोर उजा क्वेश्चन, के मेनो फोर प्लस एस सी एल के सी एल एम एन सी एल टू प्लस, सुनो आए देखिए क्या बस चार है, चार्ज है के मैंने फोर प्लस एस सी एल के सी एल प्लस एम एन सी एल टू प्लस एस टू ओ प्लस सी एल टू। अब समझो के का वैलेंसी वन, एच का एक, यहाँ ना नहीं कौन हो मैग्नीज हो, सुन लो बेटे तो मैग्नीज का दो तीन होता है वैलेंसी, यहाँ देखो कौन यहाँ दो हुआ है क्यों एम एन सी एल टू, इसको देखिएगा एम एन सी एल टू है, एम एन का दो सी एल का एक अदला बदली एम एन सी एल टू, यहाँ देखो एम एन का दो है इसलिए दो लेना, रहता तीन तो तीन लेते, एम एन का वैलेंसी दो ओ का दो सी एल का एक, मिठो मिठो है न बना रे है न, जल्दी बनाओ इधर चार्ज बनाने थे, कितना चार्ज है, क्यों नहीं चार्ज है, हाँ ले जाने दी नहीं चार्ज है, कितना चार्ज है कम दिखा पाए, हाँ बना रहे कितना चाहिए, चलो बना जो सीखा उसको रखा हो पांच अंक, कितना चार्ज है ये, कितना चार्ज है, चलो अब देखते हैं के बनाए हैं, के में नो फोर प्लस एस सी एल के सी एल प्लस एम एन सी एल टू प्लस एच टू ओ प्लस, देखो इससे पता चलता है कि एम एन का वैलेंसी होता है दो तीन,
इससे पता चलता है मैंने यहाँ दो लिया गया है, एम एन का दो सी एल का एक, एम एन सी एल, एम एन सी एल टू, एम एन सी एल टू, बोलो इसमें कट अब देख मिला लो तुम लोग मैसेज करना KMnO4 को विधि से संतुलित करें KMnO4 तोड़ दो इसको, KMnO4 तोड़ दो, जटिल यौगिक है। हाँ तो पहले ओ के के साथ के का एक ओ का दो अदला बदली के टू ओ, फिर एम एन का वैलेंसी दो, यहाँ देखना है ओ का वैलेंसी दो, पहले के एम एन ओ फोर पोटेशियम पर मैग्नेट वो अभिक्रिया करे पहले के से, के का वन ओ का दो अदला बदली के टू ओ, फिर एम एन अभिक्रिया ओस होगा, एम एन का दो ओ का दो कट गया एम एन ओ, आप प्लस यहाँ ओ कितना बचा पता, प्लस नब जा तो, प्लस नब जा तो, ये सब नियम होता है, ये सब नियम है बेटे, ये सब नियम है। ए टू एम एन ओ प्लस ओ बैलेंस कर दो, फिर देखो ओ के साथ के का ओ का दू के टू ओ, यहाँ एम एन बैलेंसी दो होता है क्योंकि दो तीन, लेकिन दो क्यों लिए, यहाँ दो सी एल टू दो है, बैलेंसी एम एन का है, एम एन का बैलेंसी दो वो का बैलेंसी दो एम एन ओ, प्लस नब जा तो दो के तो दो के दो एम एन, तो यहाँ देखो ध्यान देना यहाँ दो के तो यहाँ एक के, यहाँ पोटेशियम दो पोटेशियम एक, यहाँ दो लगा दो, दो एम एन तो यहाँ दो एम एन, दो एम एन चरदुनी आठ हो, चरदुनी आठ हो तो दो दू एक तीन, दो दू एक तीन ला दो पाँच, पाँचो पाँच दो सात, सात एक आठ, सात एक आठ, सात एक आठ, अब के टू ओ, अब के एम एन ओ फोर के अभिक्रिया एस सी एल से था, पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिया एस सी एल से था, ये बट गया तीन भागों में के टू ओ टू एम एन ओ फाइव हो, अब एस सी एल क्रिया कर पहले के टू ओ से, फिर एम एन ओ से, फिर फाइव ओ से, के टू ओ प्लस एस सी एल, के टू ओ प्लस एस सी एल, सी एल जाएगा, सी एल जाएगा के पास,
के का एक, सी एल का एक, के सी एल वो आएगा एच के पास, एच का एक, ओ का दो, एच टू ओ, दो के तो दो के बैलेंस हो गया, टू एम एन ओ, एस सी एल, सी एल जाएगा एम एन के पास, यहाँ डूब लेना पड़ेगा, डूब लेकर चलोगे यहाँ टू एम एन ओ, तो एम एन का बैलेंस सी दो, सी एल का एक, क्योंकि यहाँ दो चाहिए हमको, इसको देखो अदला बदली, एम एन का एक, सी एल का दो, एम एन सी एल टू, ओ का एक से एच के साथ प्लस एच टू ओ, और उसके बाद फाइव हो, फाइव हो प्लस एस सी एल हो जाएगा एच के पास, अदला बदली सी एल हो तो यहाँ क्या बनेगा एच टू ओ प्लस सी एल टू, फाइव हो प्लस एस सी एल, एच टू ओ प्लस सी, फिर देख लो के साथ हो के टू ओ, एम एन के साथ हो एम एन ओ, न प्लस नव जा तो हम कुछ नहीं करें, देख लो कुछ नहीं करें, पहले हम क्या किए जटिल यौगिक है के मेनो फोर, तो के मेनो फोर में वो अभिक्रिया करेगा के से, तो के का एक, ओ का दो, अदला बदली के टू ओ, वो करेगा एम एन से, एम एन का दो, ओ का दो कट गया, एम एन ओ प्लस नवजात तो पता नहीं वो क्या है, तो बैलेंस कर दिए हम लोग, दो के तो यहाँ एक के तो दो लगा देंगे, दो एम एन तो यहाँ दो एम एन, चौदुनी आठ हो यहाँ दो तीन हो, दो एक तीन तो पाँच लगा दो पाँच हो, तो के टू ओ प्लस एस सी एल, के टू एस सी एल जाएगा के पास, के सी एल हो जाएगा एच के पास, एच टू ओ, फिर यहाँ पर के यहाँ एस सी एल इसके साथ हो गया, फिर यहाँ पर दो के तो यहाँ दो, दो सी एल तो यहाँ दो बैलेंस, फिर एस सी एल जाएगा टू एम एन ओ के साथ, टू एन ओ प्लस एस सी एल, सी एल जाएगा एम एन के पास, एम एन के बैलेंसी, एम एन के बैलेंसी दो, सी एल के बैलेंसी एक, एम एन सी एल टू हो जाएगा एच के पास, एच टू ओ, चूंकि दो एम एन तो यहाँ दो लगा दो, दो दूनी चार सी एल यहाँ चार लगा दो, चार एच यहाँ दो दूनी चार, बहुत कठिन, अब फाइव हो यहाँ एक हो तो यहाँ पांच लगा दो, हो गया एच के साथ एच टू ओ प्लस सी एल टू, यहाँ फाइव हो तो यहाँ फाइव लगा दिए, पंदुनी दस, पंदुनी दस है तो यहाँ दस लगा दिए, दस सी एल यहाँ पांच लगा देंगे, पांच सी एल टू, समान एल एच एस सी आर एच एस के टू ओ एम एन ओ फाइव हो कट जाएगा, तो टू के एम एन ओ फोर, टू के एम एन ओ फोर प्लस दस चार चौदह प्लस दो, दस चार चौदह प्लस दो सोलह सी एल, टू के सी एल,
टू एम एन सी एल टू टू एम एन सी एल टू फाइव पांच दो सात एक आठ एच टू ओ प्लस फाइव सी एल टू पांच साफ देख लो सही से टू के तो टू के टू एम एन तो टू एम एन चार दुनिया आठ हो आठ हो सोलह एच आठ दुनिया सोलह एच सी एल सोलह तो सी एल लिखो तो पंद दुनी दस तो दुनी चार दस चार चौदह दो सोलह मैसेज कर कर एक नियम आई अब दूसरा नियम पर दूसरा नियम पर आ जा इसमें नियम होता है देखो हाँ सी क्वेश्चन तीन सी यू प्लस एच टू एस ओ फोर सी यू एस ओ फोर प्लस एच टू ओ प्लस एस ओ टू सी यू प्लस एच टू एस ओ फोर सी एस ओ फोर प्लस एच टू ओ प्लस एस ओ टू अब समझा देना यानी जहाँ एसओ टू यहाँ है तो बन सकता है एसओ भी एसओ टू भी एसओ थ्री भी बन सकता है वो धातु रहेगा एसओ एसओ टू एसओ पढ़ाए थे कि सल्फर का सोलह दो चार दो आठ छ संयोजी इलेक्ट्रॉन छ संरक्ता दो सल्फर का परमाणु संख्या सोलह दो आठ छ इलेक्ट्रॉन बाहर में छह इलेक्ट्रॉन है इसका नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन छ इसका संरक्षता दो इसको छ दो और चाहिए अष्टक के लिए और उपकक्ष होता है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू दूसरा सा दोबारा वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर हो गए दो दो चार छः चार दस दस दो बारह बारह चार सोलह
ये छह भी भाग लेता है, दो भी भाग लेता है, चार भी भाग लेता है, इसमें उपकक्ष वाला यदि हम उद्देश्य देखिए संलग्नता हो, सल्फर का दो ओ का दो, यहां लगता है एसओ भी हो जाएगा, एसओ भी अच्छा संयोजी इलेक्ट्रॉन छह, तो सल्फर का छह ओ का दो अदला बदली एसओ थ्री भी हो सकता है, अब उपकक्ष के आधार पर चार तो सल्फर का चार ओ का दो अदला बदली एसओ टू, एसओ टू हो सकता है, धातु मन जैसे धातु में एनओ भी एनओ टू भी एन टू ओ भी कुछ भी हो सकता है, एनओ थ्री भी, वह निर्भर करता क्वेश्चन पर। तभी क्या था मेरे पास एसओ टू दिया हुआ था, एसओ टू देंगे, एसओ एसओ देंगे, वहां जो लिखा रहेगा एसओ टू एसओ टू देंगे, एसओ एसओ देंगे, एसओ थ्री देंगे, एनओ एनओ देंगे, एनओ टू देंगे, जो वहां लिखा रहेगा उसको देंगे। अच्छा वाह भाई, तो आसान है, हमने इसको अंतिम में किए, इसको अंतिम में क्यों किए, इस आंशिक विधि से संतुलित करें। अब देखिए यहां जटिल कौन है, एस टू एस ओ फोर सी यू प्लस एस टू एस ओ फोर, जटिल कौन है एस टू एस ओ फोर जटिल है, जटिल एस टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर जटिल है, जटिल है। अब देखो वो जाएगा एच के साथ, बेटे वो जाएगा एच के साथ, एच का ओ का दो एच टू ओ आएगा एच के साथ, वो आएगा एच के साथ, एसओ भी एसओ टू भी एसओ, उसको देखिए क्या लाना हुआ है, लाना एसओ टू प्लस नवजातो, प्लस नवजातो यहां दो एच, यहां दो एच ओ चार, दो एक तीन, तीन एक चार,
बैलेंस है। अब देखो तो ये देखो ये मिल गया है, यहाँ मिल गया ही, तो थोड़ा समझो फिर देख लो। सी यू प्लस एस टू एस ओ फोर, फिर देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन सही लिखे नीचे लिखे थोड़ा अच्छा रहेगा। सी यू प्लस एच टू एस ओ फोर, सी यू क्वेश्चन सही लिखे थे फिर लिख रहे हैं। सी यू एस ओ फोर प्लस एस ओ टू को आंशिक समीकरण विधि से संतुलित करें। हाँ देखो जी यहाँ जटिल कौन है, एस टू एस ओ फोर जो सिख गया जी, यहाँ जटिल कौन है एस टू एस ओ फोर, जटिल यौगिक एच टू एस ओ फोर हो जाएगा एच के साथ एच का एक तैयार ना, फिर मान देंगे कि इस आगे इस तरह से तैयार है ना, हो जाए एच के साथ एच का एक ओ का दो एच टू ओ हो जाएगा एस के साथ एस का दो, हाँ तो यहाँ एस का दो ओ का दो एस ओ तो नहीं, तो यहाँ इसको देखो क्या बनेगा एस ओ टू, क्योंकि एस का उपकक्ष चार ही होता है, ओ का दो अदला बदली एस ओ टू, तो वहां देखना क्या बनाना है एस ओ टू बनाना है, एस ओ देना वहां, यहां देखो क्या आएगा, देखो एस ओ भी होता है एस ओ टू भी होता है एस ओ थ्री सब होता है, एस ओ टू लाना है। अब प्लस नवजात तो इसको देखना दू एच एक एस एक एच चार दो एक तीन एक चार, अब देखो ये मिल गया है ये मिल गया है, तो सी यू प्लस एच टू एस ओ फोर की अभिक्रिया आप देखे हैं एच टू एस ओ फोर बट गया तीन भागों में एक दो तीन, जो मिल जाएगा उसको अभिक्रिया नहीं कराना, इसमें ये मिल गया है ये मिल गया है इससे अभिक्रिया नहीं होगी, सी यू में तामा का अभिक्रिया एच टू एस ओ फोर से है, एच टू एस ओ फोर बट गया तीन भागों में एच टू ओ एस ओ टू ओ, अब यहाँ मिल गया है यहाँ मिल गया है, सी यू का अभिक्रिया एच टू ओ से नहीं कराएंगे, फिर सी यू का अभिक्रिया एस ओ टू से नहीं कराएंगे, यहाँ मिल गया है बच गया ओ, और यहाँ सी यू की अभिक्रिया एच टू एस ओ फोर से है बट गया तीन भागों में एच टू ओ एस ओ टू ओ, देखो अभिक्रिया सी यू का इससे भी होगा इससे भी होगा इससे भी होगा, लेकिन यहाँ दोनों मिल गया एच टू ओ लाना हमको है, जो हमको लाना मिल गया जिसको अभिक्रिया नहीं कराया जाता है, जो मिल गया यहाँ यहाँ मिल गया अभिक्रिया नहीं कराएंगे, खाली में नहीं मिला ओ तो तभी वो कराएंगे, हाँ तो सी यू प्लस ओ
सीओ सीओ के भैलेंसी दो ओ का दो कट गया सीओ तब सीओ प्लस एच टू एस ओ फॉर्म को लाना सी एस ओ फोर लाना है सीओ प्लस ओ सीओ हमको लाना है सी यू एस ओ फोर कैसे आएगा इसको यहां लेंगे देखो सी यू ओ प्लस एच टू एस ओ फोर एस ओ फोर जाएगा सी यू के पास सी टू एस ओ फोर का भी दो एस ओ फोर हो जाएगा एच के साथ प्लस एच टू ओ सो कट जाएगा सीओ से कट जाएगा सीओ प्लस एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर दो बार है सीओ एस ओ फोर एच टू एच टू ओ टू एच टू ओ एच टू ओ मैंने सुना देखा लिखे हैं दुदुनी चार एच चार एच दो चौदुनी आठ हो तो दो दो चार चार आठ हो बैलेंस हो गया। इसका नाम है देखिए पढ़ाई, इसका नाम पढ़ाई। देखिए आपने दो तरह का दिया हुआ है, इसे बता दिए हैं अशेंट फ्रेंड्स में, समझ में आ गया होगा फिर बताते हैं। बोलिए देखो एच टू एस ओ फोर ये कठिन यौगिक है, हो जाएगा एच के साथ एच का ओ का दू एस आएगा ओ के साथ एस ओ भी एस ओ टू भी एस ओ थ्री भी लाना क्या है एस ओ टू प्लस ओ दो एच तो दो एच एक एस तो एक एस टू एक तीन एक चार तो चारो। अब सी यू प्लस एच टू एस ओ फोर सी यू कभी एच टू एस ओ फोर से है, ये बढ़ गया तीन भागों में, ये बढ़ सीयू के अभिक्रिया एस टू एस ओ फोर से है बट यह तीन भागों में, और तीन भाग बट गया तब देखो तो सीयू के अभिक्रिया इससे नहीं हुआ, ये मिल गया देखो यहां ये मिल गया ये नहीं मिला तब यहां भरे सीयू प्लस ओ सीयू सीयू का एक ओ का एक सीयू सीयू ओ प्लस क्यों हमको ये लाना है सी एस ओ फोर कैसे आएगा, इसको हटाना भी है, इसको लाना हटाना है एस टू एस ओ फोर सी यू एस ओ फोर प्लस एच जाएगा एच टू ओ बैलेंस आई सी यू ओ प्लस एच टू एस ओ फोर तब ना आएगा सी एस ओ फोर, हमको लाना है सी यू एस ओ फोर लाना है।
ये मिल गया, ये मिल गया, ये आया, इसको हटाना है। तो कैसे हटेगा भाई? तो सी यू ओ प्लस सी एस ओ फोर प्लस सी एस ओ फोर प्लस एच टू ओ ओसो सीओ से सीओ एच टू एस ओ फोर दो बार है, सीएसओ फोर सीएसओ फोर एच टू एस टू ओ टू एच टू ओ बैलेंस है। अच्छा नहीं, अंत क्या हुआ, ये क्यों करवाई? हम कहा सी यू कटवाना भी है, ये मिल गया, ये मिल गया, वो नहीं मिला, ओ प्लस सी यू, ये नहीं मिला, ओ प्लस सी यू, सी यू आप हमको लाना सी यू एस ओ फोर, कैसे आएगा? तो सी ओ प्लस एस टू एस ओ फोर वही बना सकता है, तो समीकरण का ज्ञान होगा, बना देगा वो। तो सी यू एस ओ फोर प्लस एच टू ओ एस ओ फोर सी प्लस एच टू ओ सी प्लस एस टू एस ओ फोर सी एस ओ फोर प्लस एच टू ओ प्लस एस ओ टू एस ओ टू बैलेंस हो गया ही। अच्छा अब तुमको एक और सिखा करके इसी टाइप का, तब तुमको देते हैं, रुक जाओ, तब विजय होता है कि नहीं देखो है। चलो आए, बहुत सा समय है, क्या करोगे, कठिन का समय है। यहाँ है जेड एन प्लस एच नो थ्री प्लस एनओ टू, देखिए जेड एन प्लस एच एन ओ थ्री, जेड एन ओ थ्री का होल टू प्लस एच टू ओ प्लस एनओ टू, ध्यान देना, प्लीज समझो, और तब तुम्हारा अपने से देखते क्या बनाता है। यहां जटिल यौगिक है एच एन ओ थ्री, एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री बट गया ओ के साथ, एच ओ के साथ एच एच टू ओ ओ के साथ एन एनओ भी, एनओ टू भी, एनओ थ्री भी, एन टू ओ भी, सब हो सकता है। तो वहां क्या दें,
या एन टू ओ है, आयन टू है। चलो बोलो जी, बोला एच के साथ हो एच टू ओ या एन ओ, एन ओ टू, एन टू ओ, यहाँ क्या लिखे जी? राइट, एन टू ओ लिखेंगे। वाह, समझ में आ रहा है सबको? आओ एन टू ओ आप प्लस नवजात हो, एच के साथ हो एच टू ओ, एन के साथ हो एन टू ओ। यहाँ देखो, यहाँ एन टू ओ लाना है, एनो तेनो देखेंगे, इसको देखना क्या लाना है, एनो भी, एनो टू भी, एनो थ्री भी, एन टू ओ भी, जो भी सब लाना, एन टू लाना प्लस नवजात हो, क्या एच, दो एच, यहां दो लगा देंगे, बैलेंस करो, बैलेंस पहले दो एच, दो लगा देंगे, दो एन, दो एन तो है ये, ओ तीन दूनी छ, तो दो तो चार, फिर देखो एच दो, एच दो, दो एन, दो एन, तीन दूनी छ, ओ तीन दूनी छ, ओ तो छ, यहाँ पर क्या हुआ पहले है, एक और दो, यहाँ चार और चार। अब देखो इसमें यह मिल गया, यहाँ यह मिल गया, इसमें यह मिल गया, इसमें यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। तो जेड एन की अभिक्रिया था एच एन ओ थ्री से, जेडन की अभिक्रिया था और ये बट गया एच टू ओ एन टू ओ ओ में, ये तो मिल गया। अब जेडन की अभिक्रिया होगी एच टू ओ से एन टू ओ से जेड एन से, इसके भी क्रिया एच टू ओ से एन टू ओ से ओ से होगी, लेकिन ये मिल गया, ये मिल गया, इसके अभिक्रिया नहीं कराएंगे हमको, तो आइए गया है, और ये नहीं मिला फोर ओ, जेड एन प्लस फोर ओ, जेड एन प्लस फोर ओ, जेड एन प्लस फोर ओ, हाँ ऐसे ऐसे जेड एन प्लस फोर ओ, कि जेड एन की अभिक्रिया था नाइट्रिकम से, और नाटे बट गया तीन भागों में, दो तीन। अब जेड एन करेगा एच टू ओ से एन टू ओ से फोर ओ से, नहीं तो मिल गया है ये, मिल वो बचा जेड एन प्लस फोर ओ, तो जेड एन का दो ओ का दो, जेड एन ओ, जेड एन का बैलेंसी दो ओ का दो, दो दो कट गया जेड एन ओ। अच्छा, उसके बाद यहाँ ओ चार,
यहां चार, ओ चार यहां भी चार, जेड एन चार यहां भी चार। अब लाना हमको है जेड एन एन ओ थ्री, इसको हटाना है, लाना है। कैसे आएगा भाई? आएगा फोर जेड एन ओ प्लस एच एन ओ थ्री, फोर जेड एन ओ प्लस एच एन ओ थ्री। फोर जेड एन ओ प्लस एच एन ओ थ्री, एन ओ थ्री जाएगा जेड एन के पास। ऐसा क्यों किए? इसको नहीं लाना है, ये लाना है, जिंक नाइट्रेट लाना है। कि कैसे आएगा? जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया होगी किससे? एच एन ओ थ्री से, तो फोर जेड एन ओ प्लस एच एन ओ थ्री। एनओ थ्री जाएगा जेड एन के पास, अदला बदले थ्री का होल टू प्लस हो जाएगा एच के पास, एच टू ओ, एच टू ओ प्लस एच टू ओ, फोर जेड एन ओ प्लस एच एन ओ थ्री, थ्री का होल टू प्लस एच टू ओ। लेंस कर दो, चार जेड एन चार जेड एन तो चार अच्छा एनओ थ्री, यहां देखो एनओ थ्री पूरा दू, यहां दू, यहां चार, तो चार दूनी आठ, आठ एनओ थ्री, हाँ तीन दूनी छ, छः चौका चौबीस हो, लेकिन एनओ थ्री पूरा है, ये दो पूरा है, चार दूनी आठ, यहाँ आठ लगा दो, आठ एनओ थ्री एच आठ चार, चार दूनी आठ, रस हो गया सही। देखो चारो चारो ऐसे समझिए सर, क्या तीन दूनी छः, छः चौका चौबीस, और चौबीस चार अट्ठाईस, अतिया चौबीस चार अट्ठाईस, है ना? लेंस हो गया, बहुत आसान से चलना ऐसे, या ऐसे लेना ऐसे, ये मिला ही मिलाई, लेकिन ये नहीं मिला, जेड एन प्लस फोरो इससे करेगा, जेड एन ओ बैलेंस कर दो, इसको हटाना है, एच एन ओ थ्री जेड एन एन ओ थ्री, अल्लाह वाले एन ओ थ्री का होल टो,
प्लस वो आएगा एच के साथ एच टू ओ एनओ थ्री जाएगा जेडन के पास, वो जाएगा एच के पास। अब समझो चार जेडन एनओ थ्री दो गया है, चार दूनी आठ दो यहां है, आगे चार चौनी आठ एच चार चारों चार जेडनो कट गया तो फोर जेडन प्लस आठ दू दस फोर जेड एन प्लस आठ दू दस बराबर फोर होल टू प्लस थ्री का होल टू प्लस होल टू प्लस फोर एच टू ओ प्लस एनओ टू हाँ फोर एक पांच फोर एच टू ओ पांच एच टू ओ प्लस एन टू ओ देखिए बैलेंस है कहीं बैलेंस चार जेड एन दस एच पंदुनी दस एच दस एन देखिए ऐसे दस देखिए यहाँ दू एन चौदुनी आठ एन आठ दू दस एन ब्रैकेट है दू एन चौदुनी आठ आठ दू दस ओ दस तिया तीस तीन दुनी छः चौका चौबीस ओ दस तिया तीस तीन दुनी छः चौका चौबीस एक पच्चीस पच्चीस पाँच तीस बैलेंस। अब टेस्ट दो के बना पाता है टेस्ट रे चारो टेस्ट चलो टेस्ट तैयार चलो सी यू प्लस एच एन ओ थ्री होल टू चल जी मना चल जी मना
बन गया। चलो देखते हैं क्या बनाते हैं। क्या बनाता है चलो यहाँ है चौथा हिसाब है दो दो बताए कि पचमा होगा सी यू प्लस नो थ्री एच टू प्लस एन ओ मिला लो पहले HNO3 बढ़ जाएगा H2O H के साथ ओ यहाँ देखो NO लाना है NO प्लस NO प्लस नवजात NO लाना है नवजातो H2 यहाँ H2 कर देंगे बैलेंस दो अंत यहाँ एक अंत दो लगा देंगे तो तीन दूनी छः हो तो दो एक हो तीन यहाँ तीन लगा देंगे समझा एच के साथ हो H2O और N के साथ O तो क्या लिखेंगे NO यहाँ मिलना चाहिए NO प्लस नवजात हो दो एच यहाँ दो लगा देंगे दो एंट यहाँ दो लगा देंगे दो तीन ओ यहाँ तीन दूनी छः ओ है तो तीन 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 दो पाँच एक छः ये मिल गया हमको ये मिल गया हमको कुछ नहीं करेंगे सी यू के साथ HNO3 था अब HNO3 बढ़ गया थी सी यू के साथ HNO3 नाइट्रिक अम्ल बट गया तीन भागों में तो होना चाहिए भी क्रिया सी यू का H2O से भी NO से भी 3O से होना चाहिए और ये समझो अच्छा से कि HNO3 बट गया तीन भागों में H2O NO 3O अब सी यू का भी क्रिया होना चाहिए H2O से भी NO से भी 3O से होना चाहिए ये दोनों मिल गया इसका भी क्रिया नहीं कराएंगे बच गया 3O तो सी यू प्लस 3O तो सी यू का दो ओ का दो तो सी यू ओ चूँकि यहाँ तीन को तो तीन लगा दिए और लाना है NO3 तो थ्री सी यू था तीन बैलेंस कर रही तो थ्री सी यू ओ और प्लस HNO3 NO3 जाएगा सी यू के पास तो सी यू का दो
एनओ थ्री का एक अदला बदली, सी यू एनओ थ्री का होल टू, थ्री का होल टू और प्लस एच टू ओ, एच टू ओ हो जाएगा ये। यहाँ देखिए तीन सी यू तो थ्री सी यू लगा देंगे तीन, एनओ थ्री यहाँ दो आगे तीन, तीन दूनी छः, यहाँ छः लगा देंगे, छः एच यहाँ तीन लगा देंगे, बैलेंस हो गया ही। और तब ये थ्री ओ से थ्री ओ कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो थ्री सी यू प्लस छः दो आठ, तो थ्री सी यू और टू प्लस तीन एक चार, तीन एच टू ओ, एच टू ओ चार एच टू ओ प्लस टू एन ओ। देखिए बोलना चाहिए बोलना, देखिए देखिए थ्री सी यू थ्री सी यू, हाँ देखो ब्रैकेट में टू एन आगे तीन, तो यहाँ देखिए ऐसा है ब्रैकेट में टू यहाँ तीन दूनी छः, छः एन और छः दो आठ एन, यहाँ आठ एन है, आठ एच, आठ एच एच टू ओ तीन एक चार, तो चलो सही से दूनी आठ एच एच आर सही बैलेंस हो गया ही, टू एन तो टू एन सही है, ओ तो ओ तो तीन अड़तिया है चौबीस, छतिया अठारह, अठारह अठारह चार बाईस, तेईस तो सही है, अड़तिया है चौबीस हो, यहाँ देखो तीन दूनी छः आगे तीन है, तीन दूनी छतिया अठारह, अठारह दो बीस चाहे चौबीस बैलेंस है। अब इसका मैंने आपका सिलेबस यहाँ तक सही रहा, अभी को मैंने आपका सिलेबस यहाँ तक सही रहा, अभी को बच गया था आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिखा चालू किए थे परसों, लेकिन कुछ वाईफाई की दिक्कत के कारण कल भी दिक्कत वाईफाई कर दिया। और सुन लो जो गगन गणित पर फुल पेड है वो 683 रुपया में सब देख रहा है, वो उसमें त्रिघात भी है और उसके बाद बहुपद भी है, दो चर है, कार्बन चैप्टर है, उतना कुछ देख रहा है उसमें, चाहे तो देख ले फुल पेड के देख लो। अब कल से ऐप पर हम आ रहे हैं, कल से वो जल्दी ऐप पर आ जाएंगे, अब इतना दिन चेता दिए सबको, एडमिशन एरिया आपने रखेगा। अब है द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये लिखा रहे थे हम परसों, लिखा रहे थे नया चीज नया है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस ये लिखा रहे थे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अब पूरा समझा दिए थे भी, पूरा मैंने पूरा पूर्णतः समझा दिए थे, मैंने उसमें समझाने की आवश्यकता आज नहीं है, पूरा समझा दिए थे कि जब असंघनित गैस में जब पेट्रोलियम से प्राप्त असंघनित गैस में जब पेट्रोलियम से प्राप्त जब पेट्रोलियम से प्राप्त अच्छा लिखेंगे हवाना क्या है अलग भा जाता है,
प्राप्त और संघनित गैस में एथेन C2H6 याद होगा, प्रोपेन C3H8 एथेन C2H6 सही है, प्रोपेन C2H6 एल्केन समूह CnH2n+2 इनका मान 2, 4, 2, 4, 2, 6 इनका मान 3 6, 2, 8 नॉर्मल ब्यूटेन सब समझा दिए थे, देखो वीडियो देखो C4H10 तथा आइसोब्यूटेन 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 मिलाया जाता है तो इस गैसीय मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं, इसे इस गैस को लोहा के सिलेंडर में सिलेंडर में दाब के साथ रखा जाता है, रहता है। इस गैस का मुख्य अवयव मुख्य अवयव ब्यूटेन है, खतरा से बचने के लिए इस गैस में गंध के रूप में एथिल या एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है इस गैस को सिलेंडर से
पाइप के द्वारा, पाइप के द्वारा बर्नर, जो चूल्हा होता है गैस का चूल्हा, बर्नर के पास रहता है, जब इस गैस में दहन क्रिया होती है होती है तो उष्मा और प्रकाश निकलती है, तो जब उष्मा चाहिए अगर जो चूल्हा हम जोड़ दिए हैं तो हमको उष्मा चाहिए, अगर इसको अगर मेंटल में जोड़ दिए हैं तो प्रकाश चाहिए, तो अगर चूल्हा हम जोड़े हैं तो उष्मा निकलती है, मेंटल में प्रकाश निकल, उष्मा से मतलब है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है, C4H10 प्लस O2 इसका मुख्य ब्यूटेन है, H2O प्लस CO2 प्लस उष्मा प्लस प्रकाश। लेकिन रसोई बनाने में प्रकाश क्या करेंगे, प्रकाश कहाँ होता है, जब वहाँ लगता है उसमें मेंटल रहता है, मेंटल प्रकाश देता है, इसे हम चूल्हा ले गए हैं, जब हम ईंधन उपयोग कर रहे हैं तो उससे उष्मा, उससे उष्मा निकल देंगे, दहन क्रिया होती है तो उष्मा निकलती है, तो C4H10 प्लस O2 जलाने पर H2O प्लस CO2 उष्मा प्लस प्रकाश, यानी LPG गैस में मेथेन नहीं है, मेथेन आता तो विस्फोट करता, तो एक कल मुझे बता दिए थे कि जब पेट्रोलियम से प्राप्त और संघनित गैस में एथेन, प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, वैसे शुद्ध होता है, यही शुद्ध होता है आइसोब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन ये शुद्ध होता है इसका भी, आइसोब्यूटेन C4H10 ये शुद्ध बनता है इसका भी, आइसोब्यूटेन C4H10 C4 मिलाया जाता है रहता है तो इस गैसीय मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस कहते हैं। इस गैस में लोहा के सिलेंडर में दाब के साथ रखा जाता है। इस गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। खतरा से बचने के लिए इस गैस में गंध के रूप में एथिल या एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। देखिए उन्होंने परसों लिखाए थे, इसको छूट रहा है, एथिल या एथाइल मरकैप्टन गंध के रूप में एथिल या एथाइल मरकैप्टन शुद्ध लिखे थे, गंध के रूप में एथिल या
एथाइल मरकैप्टन C2H5 ऐसे लिखे थे, C2H5SH मिला जाता है, मिला जाता है मरकैप्टन, याद रखिएगा एथिल या एथाइल मरकैप्टन, मरकैप्टन C2H5 फॉर्मूला होता है इसका SH, क्या जाता है इस गैस को सिलेंडर से पाइप के द्वारा बर्नर में चूल्हा के पास लाया जाता है, और जब इस गैस में दहन क्रिया होती है तो उष्मा निकलती है, C4H2+O2 जाने पर H2O+CO2+ बैलेंस करो, बैलेंस करो, जल गैस बैलेंस करो, देखो बैलेंस इसमें क्या अच्छा बैलेंस है, तो उससे बैलेंस नहीं होगा, नहीं करता जी, देखो उठलाने पर H2O सीओ2 उसमें प्रकाश निकलती है, देखिए जब यहां जैसे एक मान लीजिए चार कार्बन यहां चार लगाओगे तो चार दुनिया आठ, देखिए ध्यान देना थोड़ा सा, चार कार्बन चार दुनिया आठ, आठ एक नौ, यहां ओ टू है, होगा बैलेंस, चार दुनिया आठ एक नौ हो जाएगा बैलेंस, बैलेंस होगा खत्म हो, नहीं होगा कि चार कार्बन चार लगा दिए, अनुमान विधि हीट एंड ट्रायल मेथड, चार कार्बन चार लगा दिए, ओ चार दुनिया आठ एक नौ, यहाँ वो दू है तो नौ आएगा कभी नौ, हाँ आठ तात लगाते चार नौ नहीं आएगा, तब यहाँ नौ नहीं आता है ना, यहाँ लगा दो दू आगे में अनुमान विधि से, तो चार दूनी आठ यहाँ आठ, एच दस, दस दूनी बीस, यहाँ एच टू है तो दस, अब आठ दूनी सोलह और दस छब्बीस, तो तेरह लग जाएगा, तेरह वो टू, कितना सर कितना अच्छा, देखो अच्छा ही नहीं ध्यान जी कैसे जाएगा जी, देखो ध्यान दो, यहाँ पहले चार था तो चार लगाए, तो चार दूनी आठ, आठ एक नौ, यहाँ नौ आ पाएगा, नौ नहीं आ पाएगा, इसलिए चार दूनी आठ एक नौ, यहाँ दू है तो नहीं सेट करेगा, नौ यहाँ दू, अगर हम चावल लगा तो आठ हो जाएगा, नौ होगा, यहाँ चार दूनी आठ एक नौ आता है, नौ यहाँ चार आठ आ जाएगा ही, इस स्थिति में क्या होता है अनुमान विधि होता है, यहाँ देखो आगे दू लगा क्या होता है, दू लगा दिया आगे, तो चार दूनी अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड, तो चार दूनी आठ यहाँ चार, चार कार, चार दूनी आठ कार्बन, चौदूनी आठ कार्बन, आठ कार्बन, एच दस दूनी बीस, देखिए यहाँ एच दस आगे दू, दस दूनी बीस, यहाँ एच दो पहले से है, दस दस दूनी बीस,
ओ आठ दूनी 16 10 26 तो 13 वो टू, 13 वो टू किताब दे सकता हूँ। वहाँ पर देख लो किताब देख लो तो। अच्छा अब देखो, अब इसमें लगभग तुमको लेसन खत्म कर दिए। तुम लोग क्या करना, तुम लोग क्या करना, रुक जाओ, क्या करना कि इसमें कल जो बचा पूछताछ लेना, जो बचा कल पूछताछ लेना, कुछ और बताना बता देंगे, और तब जाएंगे आम्ल छार लवन ये संतु जाएंगे। हाँ समय छोड़ देते हैं, समय हो गया छोड़ देते हैं, चिंता नहीं करना है। यानी ये सुन लो अच्छा से, ये बात बताते थोड़ा सुन लो कि तुम लोग सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लो, सभी लोग गगन गणित को डाउनलोड कर लो। उस पर जाएंगे तो एक दो दिन अभी फ्री पढ़ाएंगे, आता पैसा लेंगे। आप समूचा तो वीडियो रखा हुआ सब वीडियो, उसे पैसा जमा कर देखो, सब वीडियो मैथ का रखा हुआ है, वह रखा हुआ वीडियो, समझा। आई तुमको वीडियो पूरा रखा हुआ उसमें, सुनिए सुनिए अच्छा से, मैं देखिए मैथ में बहुपद द्विघात बहुपद का वीडियो है, द्विघात समीकरण दो चार वाले रैखिक समीकरण, उसको तो फिर पढ़ाएंगे। अच्छा रैखिक समीकरण, अच्छा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, द्विघात समीकरण दो चार रैखिक बहुपद फिर पढ़ाएंगे। तुमको जिसको मन है पढ़ने का पैसा दो पढ़ो। फल सांख्यिकी प्रायिकता तो उस पर मुझे इतना मैथ में है। अच्छा त्रिकोणमिति भी है एक चैप्टर, हाइजन ऊंचाई दूरी, अब भौतिकी में एक दो तीन लेसन, तीन लेसन तक, तीन लेसन है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन है, अपवर्तन है, नेत्र है, सब उसमें दे रहे हैं। केमिस्ट्री जो पढ़ाए हैं, केमिस्ट्री में दे रहा तुमको कार्बन चैप्टर दिया हुआ, कार्बन चैप्टर यही दिया हुआ है, इसे देखे वीडियो को। रसायन में दे रहे हैं, रसायन में कार्बन चैप्टर, कार्बनिक यौगिक,
कार्बनिक रसायन ऐसा वाला रसायन दिया हुआ कार्बनिक रसायन हाइड्रेशन है रासायनिक अभिक्रिया। कितना वीडियो है पूरा देखो पढ़ो मन से पैसा खर्च करो पढ़ो छोड़ निकल पाए पढ़ा रहे हैं छोड़ते हैं।